कोरोना काल में आपने जो बच्चा भी आपका ये 3 हफ्ते का हुआ है और आपने ज्वाइनिंग कर ली है, आप कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, मैं एक IAS अधिकारी हूँ, तो हमें अपना सर्विस भी देखना है। और कोविड काल में आप सब जान रहे हैं, पूरे दुनिया के ऊपर ये महामारी है, तो जिम्मेदारियाँ सबके ऊपर बढ़ जाती हैं। अब जहाँ तक बच्चे का सवाल है, ये देखिए, प्रभु ने नारी को इतनी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चे को जन्म दे के और उसका पालन पोषण कर सके और सृष्टि को आगे बढ़ा सके। आप देखिए, हमारे भारत में भी एक पूरा ग्रामीण परिवेश जो है, उसमें महिलाएं अपनी डिलीवरी के अंतिम दिनों तक काम करती रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, और फिर बच्चे को जन्म दे के घर भी संभालती हैं, बच्चा भी पालती हैं। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रभु का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने 3 हफ्ते की छोटी बच्ची के साथ अपना प्रशासनिक कार्य कर पा रही हूँ। और ये सिर्फ मेरा इकलौते का योगदान नहीं है, इसमें मेरे परिवार का बहुत योगदान है। जैसे बच्ची के जो नानी नाना हैं, मेरा पूरा एक संयुक्त परिवार है। इसी में कहते हैं कि संयुक्त परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, कि परिवार के लोग बच्चे को जितना प्यार दे देते हैं, तो आप अपना काम देख सकते हैं। और ना केवल मेरा निजी परिवार, हमारा भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है, तो मेरा जो तहसील परिवार है, मेरा जो पूरा ये गाजियाबाद का एक जिला प्रशासन परिवार है, इसमें बहुत सहयोग मिला मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी। पूरा तहसील प्रशासन, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील के समस्त लेखपाल और समस्त स्टाफ, इन्होंने जी जान से मेहनत की और मेरा काफ़ी कार्य संभाला और काफ़ी टीम वर्क का एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार जिलाधिकारी महोदय का बहुत सहयोग रहा और पूरे जिला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, जिसकी वजह से एक पूरा सपोर्ट सिस्टम की वजह से मुझे लगता है कोरोना काल में मैं प्रेगनेंसी में भी काम कर पाई और बिना मेटर्निटी लीव लिए अभी भी अपनी सेवाएं दे पा रही हूँ। मैंने 22 दिनों की छुट्टी ली थी सितंबर में, जब मेरा ऑपरेशन था, और उसके बाद बच्ची के जन्म के 13-14 दिन बाद, जब मुझे लगा कि अब मैं चल फिर सकती हूँ, ठीक से काम कर सकती हूँ, मैंने तहसील में दोबारा ज्वाइन कर लिया और अपनी प्रशासनिक सेवाएं देने लगी।